पार्ट तीसरा बस की यात्रा, इसका भाग एक पढ़ेंगे, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इन्होंने जो ये लेखक है, इन्होंने अपने बस की यात्रा का अनुभव जो है वो इस पाठ के माध्यम से किया है कि वो बस की जब यात्रा करे तो कैसी बस थी और उनको कैसे अनुभव हुआ। तो हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 4 घंटे पर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब ये 5 मित्र थे लेखक, और उन्होंने शाम को 4 बजे की बस से अपने शहर जबलपुर जाना तय किया कि जब उस बस शाम की बस से जाएंगे तो 4 बजे के आसपास तो उनको जबलपुर के लिए वहाँ पर ट्रेन मिल जाएगी। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब उन 5 मित्रों में से 2 को सुबह जल्दी काम पर जाना था, जॉब पर जाना था, तो यही रास्ता उनके लिए सही था। लेकिन कुछ लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इस बस से तो सफर नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि इस बस से सफर क्यों नहीं करना, क्या रास्ते में डाकू मिल जाते हैं? तो कहते नहीं, डाकू नहीं मिलते, ये बस ही डाकिन है। बस को देखा, श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेकिन जैसे लेखक उस बस को देखा, उनके मन में श्रद्धा आदर आ गया। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध यानी बहुत ही जर्जर अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में थी। सदियों के अनुभव के निशान नीवे थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। लोग इसकी कंडीशन को देखते हुए इस बस में सफर नहीं करते थे कि अगर इसे सफर करेंगे तो इसको कष्ट होगा, दुख होगा। बस यह बस पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? मतलब इतनी जर्जर अवस्था में तो इसकी पूजा करनी चाहिए, इसमें हम सवारी कैसे करें? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उसने पूछा, यह बस चलती भी है? हिस्सेदार यानी पार्टनर, उस बस कंपनी का जो पार्टनर था, एक पार्टनर उसी बस में सफर कर रहा था। तो लेखक ने उनसे पूछा कि क्या यह बस चलती भी है? तो वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि आप अपने आप चलती है। तो बोले, हाँ अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? मतलब उस बस की कंडीशन को देखते बोला कि ऐसी बस और अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब सोचने लगे जाए या नहीं जाए। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवीन बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो उन 5 में एक डॉक्टर भी था, तो डॉक्टर मित्र वो बोले कि हमें डरना नहीं, चलो हम इसी बस में यात्रा कर रहे हैं करेंगे। यह नई नवीन यानी जो नई बस होती है उससे तो ज्यादा ही भरोसेमंद है, विश्वसनीय है। तो यह हमें जैसे बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि बस जो है उसकी अवस्था में, तो ये हमें बड़े प्यार से अपने सफर ले जाएगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वही तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया ऐसो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक और स्वाचक बस में बैठ गए, और जो उनको छोड़ना है तो उनको ऐसे मतलब आशा भरी नजर देखे कि वापस आएंगे या नहीं, कि ऐसे लगता जैसे हमारी वो अंतिम यात्रा हो। और उनके जैसे उनकी आंखें ऐसा कह रही है कि जो आएगा इस संसार में उसको तो जाना भी है, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे नौकर हो, सबको इस आना जाना लगा रहता है। तो आदमी को पूछ करने के लिए, मतलब पूछ करना इस दुनिया से जाने के लिए, कोई ना कोई निमित्त चाहिए, निमित्त यानी साधन हो चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस इंजन ही है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इंजन स्टार्ट हुआ और लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वो इंजन नहीं, पूरी बस ही इंजन का रूप है और वो इंजन के अंदर बैठे हो, ऐसा हमको महसूस हो रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस की खिड़कियों में कांच लगे होते हैं वो बहुत ही कम थे, और जो भी लगे थे उससे उन लेखकों का बचना था, क्योंकि कुछ टूटे फूटे थे तो हमें चोट भी लग सकती है। तो लेखक ने सोचा हमें इस कांच से बचना है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट नीचे इंजन है। बस स्टार्ट हुई, चलने लगी तो खिड़की से थोड़ा दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, और लेखक को ऐसा लगा था मानो उनकी सीट के नीचे ही इंजन रखा हो। तो ऐसी जर्जर अवस्था वाली बस में वो चल रहे थे। तो इस तरह से लेखक ने बस यात्रा का वर्णन इसमें किया। इसका आपने पार्ट पहला पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में जो कठिन शब्द आए हैं आपको इसको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। कंपनी, ट्रेन, हाजी सलाह,
श्रद्धा, वयोवृद्ध, अनुभव, वृद्धावस्था, हिस्सेदार, नई हवेली, विश्वसनीय, नियमित, इंजन, स्टाफ, ये सारे जो हमने पाठ हम पढ़ा है इसके अंदर आए एक अच्छी शब्द है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, आज का ये पहला पाठ हमारा यही समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।